हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं अपना ये फ्लूड में हाइड्रोडायनेमिक्स हम लोग यूज किए थे ना, डिस्कशन किए थे हाइड्रो डायनेमिक्स, राइट। तो उसमें हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली से इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बर्नौली से इक्वेशन तो मैंने बताया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कोई भी फ्लूड में आपका प्रेशर एनर्जी और ये आपका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 A2V2। एक ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये देखो आपका प्रॉब्लम। जैसे ये समझो आपको यहाँ का जो एरिया A1, ये वी रो और ये A2 और ये आपका V2। ये A1 इज इक्वल टू 2A2 दिया हुआ है, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 2A2। तो अपने को इसमें जो P1 माइनस P2 निकालना है, ठीक है। और ये मान के चलो कि आपको ये लेवल सेम है और यहाँ का जो प्रेशर है P1 और इधर का है प्रेशर P2 और ये इस तरह से, तो निकालना क्या हम लोग को P1 माइनस P2। तो आप इसमें लगा सकते हो P1 प्लस रो जी एच, ये तो एच सेम है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो रहा है। अब ये P1 और A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो ये दिया है A1 इज इक्वल टू 2A2 दिया है, तो 2A2V1 इज इक्वल टू A2V2, तो ये कैंसिल हुआ, तो V2 इज इक्वल टू 2V1, राइट। तो अब उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आपको V1 के टर्म में हम लोग निकाल देते हैं रिजल्ट को, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस 1/2 रो V2 के बदले 2V1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रो V2 स्क्वायर, ओके। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो 4V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 1/2 रो V1 स्क्वायर, मतलब 3V1 स्क्वायर, राइट, 3V1 स्क्वायर। तो ये अपना हो गया, मतलब 3/2 रो V1 स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे। और बर्नौलीस इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, तो एक होता है इसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स, क्या होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये कोई कंटेनर होता है, इसमें कोई आप होल ले लीजिए और ये एच, और ये मान लो आपका कैपिटल ए है और ये जो एरिया है स्मॉल ए, इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू, ध्यान देना, ये जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ये केस के लिए, मतलब ये इफ्लक्स मतलब स्पीड ऑफ द फ्लूड, यहाँ से फ्लूड ऐसे गिरेगा, ये वी, इसी को हम लोग स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। और एच जो अपना है वो डेप्थ ऑफ द होल है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको एक ऐसा मान के चलूँ, इस तरह से प्रोफाइल ले लूँ, ये हमारा लिक्विड सिस्टम है, यहाँ पर पी नॉट हो जाएगा, इधर से प्रेशर हमारा पी नॉट हो जाएगा, और मैं इसी को रेफरेंस लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ये जो यहाँ पर तो एच जीरो हो जाएगा और यहाँ पर एच एच हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये बहुत जैसे कि अगर मान लो वी वन ले लो, तो ए वी वन इज इक्वल टू ए वी, यहाँ का वी, तो एक्चुअली वी वन इज इक्वल टू ए वी बाई ए, तो ए जो है वेरी वेरी लार्ज है, इसलिए V1 को अप्रोक्सीमेटली तुम जीरो ले सकते हो, मतलब ये जो लेयर है आपका वेरी स्लोली मूव कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इसके स्पीड को आप जीरो मान सकते हो। तो ये एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं, अप्रोक्स रिजल्ट है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स किया गया है, तो अब यहाँ का टोटल एनर्जी देखो पी नॉट हो गया, इसके रेफरेंस से देखो तो यहाँ रो जी एच एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हुआ जीरो इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर इधर से पी नॉट प्लस यहाँ का तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है 1/2 रो वी स्क्वायर, तो ये कैंसल, रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH या वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH।
एक तरह से ये लग रहा है कि फ्री फॉल जैसा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स में टोरोसेलीज लॉ भी बोलते हैं, बॉल का जो स्पीड आता है ना, जैसे ये बॉल गिरता है एच से, तो यहाँ पर अंडर रूट 2g h फ्री फॉल की तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर ये आपको मान लो टोटल, आप ऐसा ले लो, ये टोटल h मान लो, ये टैंक का लेंथ, तो ये h माइनस h हो जाएगा, और ये पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा ये हो रहा है ना, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 h माइनस h बाई g हो जाएगा, और r इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट 2 h माइनस h बाई g। तो ये देखो आप, इसको अगर ये रेंज निकालना चाहते हो आप, तो उसमें r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g h एंड 2 h माइनस h बाई g, ठीक है। तो ये तो जी जी कट गया, बाकी सब ले लो अंदर में, तो 2 2 4, तो बाहर हो गया आपका h h माइनस h, ठीक है। तो ये जो आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, 2 g h, ये u का वैल्यू एंड 2 टाइम का हो गया, t इज इक्वल टू 2 h बाई g होता है, तो ये h माइनस h, ओके। और एक चीज ध्यान देना, इसमें जैसे ये आपका ना दो जगह से सेम रेंज मिलेगा, ठीक है, ये तो ये एक्चुअली आर एच पर देखें और आर एच माइनस एच पर देखेंगे, तो आपका रेंज क्या होगा, सेम होगा। और हम लोग ये कैलकुलेशन करके आर को अगर मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, आर मैक्स करना चाह रहे हैं, तो वो एच इज इक्वल टू एच बाई टू पर होगा, मिड पॉइंट पर, यहाँ से अगर मिड से गिराओगे तो जा करके, ठीक है। तो ये सब आपका बर्नौलीस इक्वेशन का जो है अप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन जैसा देखो, ये क्या दिया हुआ है, देखते हैं इसको, थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं एक टॉपिक है आपका, इसमें सरफेस टेंशन वो डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग ये फोर्स रिक्वायर्ड टू, जैसे ये इसमें दिया है कि ये स्मॉल है, यहाँ से ये आपका स्मॉल एच दिया हुआ है, तो एक्चुअली बोल रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप फिक्स्ड, इसको फिक्स करना है, फिक्स्ड फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप फिक्स द कंटेनर, फिक्स द कंटेनर। एक्चुअली ये हम लोग को पता है, जैसे अगर कोई लिक्विड इजेक्ट होता है तो इधर आपका जर्क लगता है, ठीक है ना, तो वो VdM/dt कुछ होता है ऐसा, तो उतना तो फोर्स चाहिए ना, ठीक है। तो ये DM/dt किसके बराबर होता है, रो ए वी के बराबर होता है, यही ना, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, ये मास फ्लक्स बोलते हैं, तो वी रो ए वी वी, राइट। तो फिर रो ए वी स्क्वायर, तो रो ए 2 g h, ये तो वी का जो अंडर रूट 2 g h, ठीक है। तो ये DM/dt है ना, VdM/dt, तो V और DM/dt के बदले हम लोग लिख सकते हैं रो ए वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ये देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द हाइट रिड्यूस टू एच बाई टू, मतलब ये पूरा कंटेनर है, ये छोटा सा इसमें है, तो बोल रहा है कि आपको ये धीरे धीरे स्लोली आपका आ रहा है, तो इसमें मैं आपको और भी कुछ डेल्स डिस्कस करूंगा किसी क्लिप में, कि ये सब लिक्विड का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सलेशन वगैरह, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन विच हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड रिड्यूसेस टू एच बाई टू, राइट, एच बाई टू। तो एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए, तो ये जो दिख रहा है अंडर रूट 2 g y, अगर कोई मान लीजिए ये वाई है एट एनी टाइम टी पर, ठीक है, और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है,
तो ये जो है आपको कितना ए वी इज इक्वल टू स्मॉल ए अंडर रूट 2gy, तो वी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2gy बाई कैपिटल ए, राइट। ये अपर लेयर की स्पीड है, ठीक है। और आप इसको आप देख रहे हैं, इसके चलते क्या हो रहा है, वाई घट रहा है। तो ए अंडर रूट 2gy बाई ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, राइट। तो इसमें ए डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई अंडर रूट 2gy। तो ये हमारा 0 to t, ठीक है, एंड h टू h बाई टू। तो ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने पे आपको कैलकुलेशंस हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और भी मैं एक इसमें आपको दो तीन चीज़ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लिप में, जो कि हमारे लिए वो शॉर्ट ट्रिक्स जैसा होने वाला है। या मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो आपको ये लेयर का एक्सलरेशन, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कांस्टेंट आने वाला है। तो ये पाथ जो है आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पाथ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ए कांस्टेंट है। तो वी एवरेज मतलब ये वी एवरेज लेयर का यू प्लस वी बाई टू, ठीक है, यू प्लस वी बाई टू। तो जब ये आपको यहाँ पर है तो उस समय हमारा ये जो लेयर है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी इस लेयर का, ठीक है, और फिर हम लोग फाइनल वेलोसिटी इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसका जो होगा आपको इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला है, ये दिस वन, राइट। तो उस समय हमारा ये हो जाएगा आपको ए बाई ए अंडर रूट 2gh, और बाद में ये जो होगा ये वाई का वैल्यू एच बाई टू हो जा रहा है, आपका लिक्विड इतना हो जा रहा है। तो ये अब वाई का वैल्यू, पहले ये वाई एच था, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा ए ए बाई ए अंडर रूट 2gh बाई टू और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और ये हो गया आपका वी एवरेज, है ना। और ये अगर हम देखें, अगर पूछ रहा है कि इससे इस तक आने में कितना टाइम लगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ए बाई ए अंडर रूट 2gh प्लस ए बाई ए अंडर रूट 2gh बाई टू डिवाइड बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एच बाई टू। तो यहाँ से टी भी निकल सकता है, मतलब इसमें नॉन कैलकुलस मेथड हो गया। देख लो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, और अपन देख लिए ये कैलकुलेशन कभी मैं करूँगा, एक्सप्रेशन कांस्टेंट आता है एक्चुअली। तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, पहले इस केस में निकाल लो, फिर इस केस में निकाल लो, और एवरेज ले करके टाइम से मल्टीप्लाई करो, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवर्स हुआ वो h बाई टू हुआ। ओके, थैंक यू।